करेरा नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के द्वितीय चरण की मतगणना इस समय खैराघाट स्कूल में चल रही है। करेरा की 15 सीटों में से भाजपा 8 सीटें, कांग्रेस की 3 प्रत्याशियों ने विजय हासिल की है। इस बार निर्दलियों ने भी चुनाव मैदान में दम दिखाया और 4 निर्दलियों ने विजय हासिल की। वहीं वार्ड 15 से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रजनी कोमल साहू को हार का सामना करना पड़ा। साथ ही 14 से भाजपा से अध्यक्ष की प्रबल दावेदारी जनक कुमारी लोकपाल लोधी को भी शिकस्त मिली। उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति पाल ने हराया। भाजपा की 8 सीटों पर विजय श्री ने अब यहां का भाजपा का पैच। भाजपा की 8 सीटों पर विजय श्री से अब यहां भाजपा का अध्यक्ष बनना तय है। ये प्रत्याशी हुए विजय। वार्ड 1 निकिता कुशवाहा निर्दलीय, वार्ड 2 राकेश दुबे भाजपा, वार्ड 3 शालिनी सोनी निर्दलीय, वार्ड 4 पार्वती गणेश कुशवाहा निर्दलीय, वार्ड 5 असलम खान भाजपा, वार्ड 6 मनोज जाटव कांग्रेस, वार्ड 7 राजीव सिकरवार भाजपा, वार्ड 8 पिस्ता जाटव कांग्रेस, वार्ड 9 शारदा देवी रावत भाजपा, वार्ड 10 संजय नीखरा भाजपा, वार्ड 11 ज्योति अरविंद गेंडा भाजपा, वार्ड 12 प्रियंका आकाश नरवारे भाजपा, वार्ड 13 ममता राधा कृष्ण यादव भाजपा, वार्ड 14 ज्योति राजा पाल निर्दलीय, वार्ड 15 खुशबू पृथ्वी यादव कांग्रेस। सबसे अधिक मतों से वार्ड 3 से श्रीमती शालिनी सोनी ने जीत दर्ज की, तो वहीं वार्ड 12 से नर्मदा गजेंद्र परिहार सबसे कम 12 मतों से हारी। भाजपा की विजय पर प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत ने क्या कहा? रिपोर्ट संजय गुप्ता, बिलैया पत्रकार, करेरा। प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत जी से हम चाहेंगे कि भाजपा की जो है 8 सीटों की जीत है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जन कल्याणकारी नीति और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विजय शर्मा जी का जो संगठन का नेतृत्व है और कार्यकर्ताओं की मेहनत, पूरे मध्य प्रदेश में हम देखते हैं जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं, पहले चरण में हम जो 11 में से 7 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल किया है और जो नगर पालिका है नगर पंचायत उनमें भी इस तरफ भारतीय जनता पार्टी जीत हुई है। और ये जो जीत भारतीय जनता पार्टी में मिली है इस बात का धोखा था कि भारतीय जनता पार्टी जिसमें गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं और हमारे नेतृत्व की जो है एक छवि है, छाप है, इसलिए जो जीत है वो कार्यकर्ताओं की जीत है। हमारे नेतृत्व करा नगर पंचायत में भी 8 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हुई है। इसी तौर पर नगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे अध्यक्ष पर बैठेगा और नगर के विकास के लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध रहेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में इतिहास जीत भारतीय जनता पार्टी की हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी का शिवराज जी जन कल्याणकारी नीतियों का परिणाम। भारतीय जनता पार्टी का हम जो है पूरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को जो है बहुत बधाई देते हैं अपने चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।